तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं द टॉप बॉडी बिल्डर। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिकागो प्रो 2020 टू ट्वेल्व विजन के रिजल्ट्स के बारे में। तो 14 प्लेस पर आते हैं स्टीव टायर। उनकी फिजिक की बात की जाए तो ये लुक से ही लगते हैं कोई वेटरन बॉडी बिल्डर है, ओल्ड बॉडी बिल्डर ज़्यादा नोन नहीं है मुझे लगता है। पर इनकी फिजिक की बात की जाए तो उनकी फिजिक में मसल मेचोरिटी बहुत अच्छी है, बट सेपरेशन नहीं है और इतना साइज नहीं है टू ट्वेल्व रीजन के लिए। बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है, बट वही बात है लोअर बॉडी इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है जैसे अपर बॉडी है, और इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स इतने ज़्यादा सेपरेटेड या स्ट्राइडेड नहीं है। 14 प्लेस पर आते हैं बोला ओजैक्स, जिनको आपने न्यूयॉर्क प्रो में भी देखा होगा। उस वक्त उनकी प्लेसिंग थोड़ी अच्छी थी क्योंकि कंडीशनिंग अच्छी थी, बट शिकागो प्रो में उन्होंने इतने कंडीशन नहीं लग रहे। उनकी फिजिक की बात की जाए तो इनके पास हर एक पार्ट मसल सेपरेटेड है, बट वही बात आ जाती है कि इनका मिड सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, मीन्स कंप्लीट नहीं है इनकी फिजिक। 12 प्लेस पर आते हैं, उनका नाम है डारल यंग। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनके पास इतना इनफ साइज नहीं है कि ये थोड़ा यूज दिख पाए। इनके लेग्स आप देख पा रहे हैं, इनके लेग्स में सेपरेशन है बट इतना ज़्यादा साइज नहीं है, और अपर बॉडी भी इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है ना उनकी लोअर बॉडी डोमिनेंट है। तो उनकी फिजिक मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इतनी प्लीजिंग नहीं लगी, अपीलिंग नहीं लगी। 11th प्लेस पर आते हैं, उनका नाम है एरिक लैंगलॉइस। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनके टैटू की वजह से मुझे इनका चेस्ट का सेपरेशन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा, बट चेस्ट सेपरेटेड है। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कर रही है। बाइसेप साइज थोड़ी और बड़ी होती तो मसल सेपरेशन बहुत अच्छे से दिख पाता, और इनके बैक में ज़्यादा थिकनेस नहीं है, और ग्लूट्स स्ट्राइडेड है, हैमस्ट्रिंग स्ट्राइडेड, कंडीशनिंग ऑन पॉइंट है, बट वही साइज इतना ज़्यादा नहीं है। जो 10th प्लेस पर आते हैं, उनका नाम है मार्को कार्डोना। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक में हर एक बॉडी पार्ट ऑन पॉइंट है, कंडीशनिंग भी बेहतर है, बट इनके पास बैक में थोड़ी और थिकनेस बढ़ानी होगी, और ग्लूट्स थोड़े स्ट्राइडेड होने चाहिए। बैक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट बैक में और थोड़ा काम कर सकते हैं तो उनकी लोअर लैट बहुत अच्छी दिख सकती है, और उनके ग्लूट्स थोड़े मसल उन्हें बढ़ाने होंगे ग्लूट्स में। और जो 9th प्लेस पर आते हैं, उनका नाम है एडम यंग। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक यूज दिख रहे हैं, लेग सेपरेशन अच्छा है, फ्रंट से उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, बट जब हम बैक में जाते हैं तो बैक उनका वीक पॉइंट है, उसमें थिकनेस नहीं है उनकी बैक में, ना लोअर लैट इंसर्शन प्रेजेंट है। हाँ, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट स्ट्राइडेड है, बट बैक एक ह्यूज पॉइंट होता है बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर। जो बैक ही आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप शो कैसे जीत पाओगे, तो इनके बैक में थिकनेस नहीं है जो उन्हें ऐड करनी होगी। और जो 8th प्लस पर आते हैं, उनका नाम है नवर कभी। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक में वो बैक थिकनेस नहीं है, लैट ही प्रेजेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, लैट फ्लेयर ही नहीं हो रहे जब वो बैक लैट्स पर हिट कर रहे हैं, थिकनेस नहीं है, ओवरऑल साइज इतनी ज़्यादा नहीं है, कंडीशनिंग ऑन पॉइंट है, पेपर थिन स्किन है, लेग में सेपरेशन भी बहुत अच्छा है, बट साइज बैक में ज़्यादा होता तो अच्छा लगता। 7th प्लेस पर आते हैं अहमद अल सदानी, जो कि इजिप्ट से ही हैं, बेगामी जैसे दिख रहे हैं आपको। इनके पास स्मॉल वेस्ट है, फिजिक बहुत यूज लग रही है, बैक में थिकनेस भी बहुत अच्छी है, बट लोअर बैक में थोड़ी थिकनेस और होती तो इनकी प्लेसिंग अच्छी होती, बट इनके पास वो कंडीशनिंग नहीं है। आप देख सकते हैं उनकी लोअर बॉडी में आप टेयर ड्रॉप ही देख पा रहे हैं, आउटर कॉर्ड या इनर कॉर्ड में आप सेपरेशन नहीं देख पा रहे हैं। इस वजह से इनकी प्लेसिंग सही है, बट कंडीशनिंग होती तो इनकी प्लेसिंग थोड़ी बढ़ सकती थी। और जो 6th पर आते हैं, केविन जॉनसन। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी हर एक मसल ग्रुप बहुत अच्छे से पॉप हो रही है, वेल सेपरेशन है, बट खाली इनके लोअर बैक में थोड़ी थिकनेस और ग्लूट्स स्ट्राइडेड होती है, या कंडीशनिंग थोड़ी बेहतर होती तो इनकी प्लेसिंग 3rd या 4th भी हो सकती थी। जो 5th पर आते हैं, जेसन लाओ। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक भी ऑल पॉइंट सब बेहतर है, बट इनका मिड सेक्शन जब वो ट्रांसलेशन करते हैं पोजेस के दौरान तो इनका मिड सेक्शन थोड़ा वॉस्ट आउट लगता है। इनके बैक में 3D इफेक्ट बहुत अच्छा है, थिकनेस बहुत अच्छी है, इनकी वेस्ट भी स्मॉल है, बट जब वो फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हैं तो इम्बैलेंस आप देख पाते हैं लेफ्ट राइट बाइसेप में, और मसल सेपरेशन भी इतना अच्छा नहीं है ट्राइसेप और बाइसेप में। तो 4th प्लेस पर आए हैं, उनका नाम है जेसन बर्ट। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनके पास वो ओवरऑल साइज नहीं है, कंडीशनिंग बहुत बेहतर है, बट वो बैक में थिकनेस नहीं है, और टैटू की वजह से तो मुझे लैट्स में जो थिकनेस है वो नहीं दिख पा रही है। और जो 5th प्लेस पर आए थे जेसन लॉ, उनकी फिजिक बहुत बेहतर थी जो 4th प्लेस पर आए हैं, मैं सहमत नहीं हूँ जेसन से। और जो 3rd पर आते हैं, नेवल एडम। नेवल एडम को
कहा जा रहा था कि केयॉन पेटरसन को वो अच्छी टक्कर दे सकते हैं, बट उनकी प्लेसिंग थर्ड आई। इनकी फिजिक में कुछ फ्लॉज तो नहीं है, इनकी फिजिक ऑन पॉइंट है और इनकी लोअर बॉडी तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करते हैं। आप देख पा रहे हैं इनके हैमस्ट्रिंग में कितना ज़्यादा साइज है और कंडीशनिंग में ऑन पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि इनकी फिजिक में कुछ ज़्यादा फ्लॉज है, बट अचानक कहीं से ऑस्टिन खार जो कि सेकंड प्लेस पर आया, उनकी फिजिक थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। मीन्स आप बोल सकते हैं थर्ड सेकेंड पर कोई भी आ सकता था, बट इनकी फिजिक बहुत बेहतर लग रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बट तभी भी इनके बाइसेप पीक इतने ज़्यादा पीक ही नहीं लग रहे, शॉर्ट हेड बाइसेप है बट सॉरी लॉन्ग हेड बाइसेप है बट तभी भी उनके बाइसेप में इतना ज़्यादा साइज नहीं। तो इनकी फिजिक में वो मसल सेपरेशन अच्छे से दिख पा रहा है, बट जो बाइसेप की साइज़ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मीन्स बाइसेप ज़्यादा डोमिनेट नहीं करती, ट्राइसेप डोमिनेट करती है, जिस वजह से फ्रंट डबल बाइसेप पोज में वो इतने ज़्यादा प्लीजिंग नहीं दिख रहे। और जब वो पोज करते हैं बैक की तो बैक इतने ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ज़्यादा दिख रही, कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा बैक में अच्छी नहीं दिख पा रही जो कि नेवल एडम के पास है। और विनर की बात की जाए जो कि है केयॉन पेटरसन जो कि फर्स्ट आए हैं और शिकागो प्रो 212 डिवीजन के विनर है। इनके फेलो कंपेटिटर भी 212 डिवीजन में ही कम्पीट करने वाले जो कि जॉर्ज पीटरसन। ये दोनों कंपेटिटर क्लासिक फिजिक में कम्पीट करते थे बट इनकी प्लेसिंग इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, इस वजह से उन्होंने 212 डिवीजन में स्विच करने का सोचा। जॉर्ज पीटरसन तो 212 डिवीजन में कम्पीट भी कर चुके हैं और क्वालिफाई भी कर चुके हैं टैंपा प्रो जीत कर ओलंपिया के लिए, बट अभी केयॉन पेटरसन की बारी है। केयॉन पेटरसन भी जीत चुके हैं शिकागो प्रो 2020 और ओलंपिया को क्वालिफाई कर चुके हैं। इनकी फिजिक की बात की जाए तो इनकी फिजिक में क्लासिक फ्लो अभी भी बरकरार है, क्योंकि वैक्यूम हिट करने का तरीका बहुत बेहतर है फ्रंट डबल बाइसेप का। इनके लेग्स में वो फेदरलेस भी है जो कि फ्लेक्स व्हीलर के पास है, फ्लेक्स व्हीलर इनके कोच हैं। इनकी फिजिक में कुछ ज़्यादा फ्लॉज नहीं है। बस इतना ही वीडियो में, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।